प्रदीप, ये मेरी दिलचस्पी अब अन्य में भी होने लगी है। हिमाचल में बागी एक बड़ा फैक्टर था, सील सकता है, परेशान कर सकता है बीजेपी को जब अंतिम नतीजे आएंगे। पर अब क्या, मैं जल्दबाजी कर रहा हूं ये सवाल पूछने में, लेकिन जरूरी हो जाता है, आंकड़े ऐसे हैं। बागियों के हाथ में सत्ता की चाबी तो नहीं आ जाएगी, ऐसा परिदृश्य भी क्या कुछ घंटों में हमारे सामने आ सकता है हिमाचल में? संदीप, ये सिर्फ आपकी नजर नहीं है, पूरे हिमाचल की नजर सिर्फ बागियों पे, सब दोनों पार्टियों की नजरें बागी पे है। कांग्रेस ने भूपिंदर सिंह हुड्डा को दौड़ा दिया है, पहुंचने वाले हैं यहाँ पर हिमाचल में भूपिंदर सिंह हुड्डा। लेकिन जो चार बागी हैं, अभी चार बागियों में से तीन बागी जो हैं वो बीजेपी के हैं, और एक जो हमीरपुर से है, जो अनुराग ठाकुर की सीट है, अनुराग ठाकुर के फादर की सीट है हमीरपुर, वहां से भी इंडिपेंडेंट आगे चल रहा है, वो कांग्रेस का है। वो बेचारा नॉमिनेशन की एक रात पहले तक कांग्रेस की टिकट की वेट करता रहा, कांग्रेस ने उसकी टिकट अनाउंस भी कर दी थी, लास्ट मोमेंट में उसकी टिकट काट दी, तो वो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए हमीरपुर से, वो कांग्रेस का एक छोड़ा। बाकी तीन जगह पर बीजेपी के इंडिपेंडेंट चल रहे हैं, तो आप अभी से अंदाजा लगा लीजिए, क्योंकि वो तीन जो है इंडिपेंडेंट बीजेपी के, वो ऐसे हैं कि जो एक तो इंडिपेंडेंट ही थे लास्ट मोमेंट में बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो वो फिर से इंडिपेंडेंट खड़े हो गए, वो शायद हो सकता है बीजेपी में दोबारा विश्वास करने से तो पहले। शाम को सुकेश और आपको ये अनुप्रास अलंकार जिसका आजकल चलन हो गया है उससे काफी कोफ्त होती है, पर शाम की क्या हेडलाइन ये हो सकती है, बागियों के हाथ सत्ता की चाबी, बागियों के हाथ होने वाली है। नहीं, ये अभी जब मैं स्टूडियो में आ रहा था तो मैंने देखा कि जो तीन इंडिपेंडेंट हैं उनकी लीड भी अच्छी खासी है, मतलब वो बागी और चाबी बागियों के हाथ सत्ता की चाबी। जी देखो, अच्छा, हाँ वो ठीक है, ये वो तो बन जाएगा, लेकिन तीन इंडिपेंडेंट्स का एक कंफर्टेबल लीड ले लेना, ये बताता है कि दे आर देयर टू स्टे, और ये मुकाबला कांटे का है तो वो एक रोल प्ले करेंगे। और जिस दिन ये कांटे का मुकाबला हमने दिखाया था तो हमने कहा कि चार्टर्ड वालों की बड़ी चांदी है। हाँ, बोला था आपने। तो कोई ना कोई पहुंच जाएगा, बीजेपी वाले तो हो सकता है पहले पहुंच जाएं, लेकिन इस बार कांग्रेस भी लगता है पीछे नहीं है, कह रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचने वाले, तो चार्टर्ड वालों की कमाई ठीक हो जाएगी, ये तो मालूम है। और किस तरीके से पहुंचने वाले हैं, किस चीज के साथ पहुंचने वाले हैं, ये भी तो देखना होगा, या खाली हाथ पहुंच रहे हैं? अब खाली हाथ पहुंचने से तो काम बनता नहीं। उस दिन मैं कह भी रहा था, कल भी मैं कह रहा था कि कह रहे हैं बीजेपी वाले की मेयर हमारा होगा, लेकिन ऐसे में कहीं इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर ही हो जाते, और ना हो तो फिर ऐसे में एमएलए हो जाए। बीजेपी ने बढ़त बना लिया हिमाचल में, 33 सीटों पर बीजेपी आगे, 31 पर कांग्रेस, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।